सो हेलो दोस्तों, टेक्निकल सन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जिसने यहाँ पर रेडमी 9 मॉडल का फ़ोन यूज़ करते हो, तो आप सभी लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो से मैं आप लोग को इस फ़ोन के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर आपका जो कैमरा एंड यहाँ पर आपका जो कैमरा वगैरह है एंड गूगल असिस्टेंट, उसके साथ आपका यहाँ पर बहुत सारे जो शॉर्टकट होता है, उसका जो बटन आपको यहाँ पर आपका बटन का जो सेटिंग्स है, ठीक है, उस सेटिंग्स को मैं आप लोग को आज की इस वीडियो से दिखाने वाला हूँ एंड करके लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाने वाला है। तो इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को आपको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो मैं चले वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये मेरे फ़ोन के अंदर जो सेटिंग्स है, वो सेटिंग्स को सिंपली ओपन कर लीजिए एंड तो सिंपली सेटिंग्स को ओपन करने के बाद थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स बोल के ऑप्शन दिखने मिलेगा, उसके बाद सिंपली आपको एक बार क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पर आपको देखो बटन शॉर्टकट, ठीक है, यहाँ पर देखो बटन शॉर्टकट बोल के एक ऑप्शन दिखने मिल रहा है, बटन शॉर्टकट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी बटन है वो मैं आप लोग मतलब करके दिखाऊंगा कि क्या क्या आपको यहाँ पर काम होता है उस बटन शॉर्टकट की मदद से। तो सिंपली इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर देखो बटन शॉर्टकट एंड फंक्शनल शॉर्टकट, मतलब जो भी आपका फ़ोन के अंदर जो एक्स्ट्रा आपका फंक्शन है उसका शॉर्टकट करके रख सकते हो। तो शॉर्टकट करके रखोगे तो क्या होगा, आपको बहुत ईजी तरीके से, ठीक है, जो भी आपका हिसाब से यहाँ पर आपका जो भी बटन सेलेक्ट करके रखोगे तो वो तुरंत कोई भी आपका चाहे कैमरा हो या फिर आपका गूगल असिस्टेंट हो या फिर आपका फ़ोन के अंदर जो फ्लैश लाइट हो, वो बहुत आसानी से बटन शॉर्टकट की मदद से बहुत आसानी से तुरंत क्विकली यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए आपको यहाँ पर आपका सेटिंग्स करना पड़ेगा और वो भी आपका हिसाब से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो जो लॉन्च कैमरा, मतलब जो कैमरा जो ओपन करता है, तो वो भी आपका बहुत आसानी से आपका हिसाब से यहाँ पर आपका शॉर्टकट करके रख सकते हो। तो सबसे पहले इसके ऊपर आपको क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर देखो बहुत सारे आपका शॉर्टकट देखने मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो डबल प्रेस द पावर बटन, मतलब आपका फ़ोन का जो पावर बटन जो लॉक करते हो जिसको आपको प्रेस करके, तो ये आपको सिलेक्ट करके रखोगे तो क्या होगा, आपका डबल आपका जो पावर बटन डबल क्लिक कर देते हैं तो तुरंत आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक एनिमेशन की तरफ से यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर डबल क्लिक करते ही आपका यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा, वो भी मैं आप लोग को लाइव दिखा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर देखो मैं सिंपली यहाँ पर मिनिमाइज करूँगा, उसके बाद डबल जो पावर बटन है वो क्लिक करूँगा, ठीक है। देखो पावर बटन डबल प्रेस कर देने के साथ ही साथ मेरा जो फ़ोन का जो कैमरा है वो ओपन हो चुका है। तो इसी तरह आपका यहाँ पर जितना सारा शॉर्टकट है वो आप आपका हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली एग्जांपल की तरह से मैं आप लोग को एक शॉर्टकट करके दिखा दिया, तो आप आपका हिसाब से सिलेक्ट करके बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सारे सारे मैं आप लोग को दिखाऊंगा डिटेल्स में, तो वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को मतलब देखने में बहुत बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग को एक दिखा दिया, उसके बाद और जो भी सेटिंग्स है वो मैं आप लोग को एक एक करके समझा देता हूँ और करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली दोबारा सेटिंग्स पर जाऊँगा एंड यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स एंड यहाँ पर आपका देखो बटन शॉर्टकट, उसके बाद आपके मतलब सबसे पहले जो सेटिंग्स है वो मैं आप लोग को करके दिखा दिया। उसके बाद देखो टेक स्क्रीन शॉट, मतलब आपका फ़ोन के अंदर जो स्क्रीन शॉट करते हैं, ज़्यादातर लोगों ने 3 फिंगर यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो आप भी चाहे तो यहाँ पर आपका 3 फिंगर वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके बहुत अच्छे से यहाँ पर आपका स्क्रीन शॉट कर सकते हो। सिंपली आप 3 फिंगर को एक मतलब एक साथ करके ऊपर की तरफ से आपको नीचे की तरफ आपको स्लाइड करना है। यहाँ पर देखो यहाँ पर एनिमेशन देखने को मिल रहा है आपको, ये देख के भी आप बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। आप बताइए यहाँ पर आपका जो लॉन्च गूगल असिस्टेंट, ठीक है, जो आपका लॉन्च गूगल असिस्टेंट है, मतलब आपका यहाँ पर जो गूगल असिस्टेंट है, मतलब आपका गूगल का जो यहाँ पर बात करके जो भी गूगल के अंदर जो सर्च करता है, यहाँ पर आपका जितना सारा आपका यहाँ पर जो मतलब गूगल असिस्टेंट है उसको यूज़ करना चाहते हैं वो भी शॉर्टकट करके रख सकते हो। यहाँ पर देखो सिंपली लॉन्ग प्रेस द होम बटन एंड लॉन्ग प्रेस द मेनू बटन, लॉन्ग प्रेस द बैक बटन, पावर प्लस होम, पावर प्लस मेनू, तो आप आपका हिसाब से मैं आपको सिलेक्ट करके रख सकते हो। सिंपली मैं आप लोग दिखा दो यहाँ पर एग्जांपल की तरह से लॉन्ग प्रेस द होम बटन, तो सिंपली सिलेक्ट कर दे, उसके बाद यहाँ पर देखो मैं इसके ऊपर सिंपली आपको प्रेस करके रखूँगा, उससे मेरा जो गूगल असिस्टेंट है वो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है। तो इस तरह आपको सिलेक्ट करना है। तो सिंपली इसको बंद करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लास्ट के अंदर एक नॉन बोल का ऑप्शन मिल रहा है तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको ऐसे सबसे पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रख देता हूँ। अब यहाँ पर देखो टर्न ऑफ स्क्रीन, मतलब जो स्क्रीन जो ऑफ करते हैं, जो कि यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो लॉन्ग प्रेस द होम बटन, यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस द होम बटन का जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट रखे हुए, तो आपका यहाँ पर जो होम बटन है उसको आपको प्रेस करके रखना होगा लॉन्ग टाइम, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो यहाँ पर जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखो लॉन्ग प्रेस द मेनू बटन एंड लॉन्ग प्रेस द बैक बटन, तो ये आप बहुत आसानी से यहाँ पर आपका हिसाब से सिलेक्ट करके रख सकते हो। तो मेरा यहाँ पर बंद है। उसके बाद आपके यहाँ पर देखो टर्न ऑन टॉर्च, आपका फ़ोन का जो फ्लैश लाइट है वो आपका मतलब किसका बटन को सिलेक्ट करके टॉर्च को ओपन करना चाहते हैं वो आपका हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करके रख सकते हो। यहाँ पर देखो डबल प्रेस द पावर बटन, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस द होम बटन, ये आपका हिसाब से सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल की तरह से सबसे पहले जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो सिंपली चेंज कर दिया, उसके बाद मेरा जो पावर बटन है वो पावर बटन यहाँ पर आपका
प्रेस करके रखोगे तो ऑटोमेटिकली मेरा जो फ्लैश लाइट है वो यहाँ पर जलने लग जाएगा। तो इसमें मैं तो अब मेरे तो मेरा फ़ोन का जो स्क्रीन है वो यहाँ पर आपका बंद कर दिया। सबसे पहले बंद करना पड़ेगा, उसे डबल प्रेस करना होगा आपका जो पावर बटन है। यहाँ पर देखो मेरा पावर बटन डबल प्रेस करने से ही मेरा जो फ्लैश लाइट है वो ओपन हो चुका है। फिर से दोबारा यहाँ पर आपका डबल प्रेस करोगे तो यहाँ पर बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बंद हो गया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब आपका हिसाब से सिलेक्ट करके रखे तो ठीक है। इसको बैग आ जाए, बैग आ जाने के बाद आप यहाँ पर देखो क्लोज करंट ऐप, आपका जो भी करंट ऐप है आपका यूज़ करते हैं उसको आपको डायरेक्टली आपका कोई भी बटन सिलेक्ट करके रखना चाहते हैं या फिर उसको क्लोज करना चाहते हैं वो यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर तो सबसे पहले लॉन्ग प्रेस द होम बटन, लॉन्ग प्रेस द मेनू बटन, तो आप आपका हिसाब से यहाँ पर सिंपली इसको सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो शो मेनू, आपका जो मेनू आपका जो टॉप के अंदर दिखने को मिलता है उसका भी शॉर्टकट करके यहाँ पर रख सकते हो। तो आप आपका हिसाब से सिंपली सिलेक्ट करके रख लीजिए। तो यहाँ पर देखो मैं सबसे पहले जो होम बटन है वो यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट करके रख देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर मेनू आपका प्रेस नेविगेशन बटन, ठीक है, वो नेविगेशन बटन आपको यहाँ पर आपका यूज़ करना चाहते हैं शो मेनू पर, तो वहाँ पर आपको इस तरह अब आपके हिसाब से यहाँ पर उसको शो मेनू पर क्लिक करके भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली डिजेबल नेविगेशन बटन, तो आपका जो नेविगेशन बटन है वो आपको डिजेबल करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपका आपका हिसाब से चाहे कोई भी ऐप वो बहुत आसानी से यूज़ करके रख सकते हो। उसके बाद आपके यहाँ देखो प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन फॉर 0.5 सेकंड टू टर्न ऑन गूगल असिस्टेंट, मतलब आपका यहाँ पर जो गूगल असिस्टेंट होता है इसको आपको यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं तो इसके जो ऑप्शन है वो यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। इसी तरह आपका यहाँ पर जो भी शॉर्टकट है का बटन वो आपका हिसाब से सिलेक्ट करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट करके रखोगे तो क्या होगा, आपका आपका हिसाब से कोई भी आपका डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं वो तुरंत क्विकली चाहे कोई भी आपका जो भी यहाँ पर आपका सिलेक्ट करके रखोगे तो वो बहुत आसानी से यहाँ पर ओपन करवाओगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। कोई भी सवाल है सुझाव जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर नहीं हो तो नीचे रेड कलर का बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इधर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेटवर्क के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।